नाइट्रिक ऑक्साइड से होता है कठोर, बढ़ाने के 8 रामबाण उपाय। आज मैं बात करने वाला हूँ नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे हेल्पफुल है और कैसे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम ठीक हो सके। नपुंसकत्व अर्थात लैंगिक कमजोरी जो आती है उसका प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सके। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गेलकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। अकोला में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये खून की नलियाँ मोटी करता है, मतलब अंदर से उसका जो ल्यूमेन है बढ़ाता है, उसकी जो दीवारें हैं खून की नलियों की वो रिलैक्स करता है ताकि वो फूल सके। जब नलियाँ फूल जाती है तो नेचुरली ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ता है। अब ये पूरे बॉडी में होता है, वैसे ही पेनिस में होता है, लिंग में होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा अच्छी रहे तो खून की नलियाँ रिलैक्स रहेंगी, खून पेनिस में बहुत ज़्यादा जाएगा और इरेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर हमें देखना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो नॉर्मली बॉडी में तैयार होता है उसकी मात्रा कैसे बढ़ाए। नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रिकर्सर है एल सिट्रुलिन, एल अर्जिनिन। तो एल सिट्रुलिन, एल अर्जिनिन वाली चीज़ें जो है वो खाना है। वो मैंने अलग अलग वीडियोज में बताया है कौन सी चीज़ें हैं, कौन से फल सब्जियाँ हैं जिसमें एल अर्जिनिन, एल सिट्रुलिन ज़्यादा है। अभी मैं बात कर रहा हूँ 8 ऐसी बातें उपचार कि जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बॉडी में बढ़ेगा और इरेक्शन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, कठोरता ठीक हो जाएगी और आपका स्टेमिना भी टिकेगा, जल्दी निकलेगा नहीं। नंबर एक जो है वो है नेजल ब्रीदिंग। आप नाक से सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो और एक 10 मिनट का एक्सरसाइज आप रोज करते हो तो ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छा होगा और ये सपोर्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बॉडी में बढ़ाने के लिए। नेजल ब्रीदिंग जब करते हैं तब नासिका के द्वार पर जैसे आप देख रहे हो कि अंदर सांस जा रही है, बाहर सांस आ रही है और उसको देखते रहना है, आराम से सांस लेना है, फुल छाती फूलना है, उतनी सांस लेना है, फिर आराम से छोड़ना है, ये आप प्रैक्टिस रोज करो। सो नंबर एक है नेजल ब्रीदिंग। नंबर दो, अलग 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 सब्जियाँ। अभी मैं आपको बताता हूँ ऐसे 5 खाने की चीज़ें जो नाइट्रिक ऑक्साइड में बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है वो खाते हैं तो। उसमें आएगा नंबर एक है पालक। पालक इसमें इंग्लिश में स्पैनैक बोलते हैं, फोलेट ज़्यादा होता है, फोलिक एसिड। पालक की सब्जी आप खा सकते हैं, पालक पराठे खा सकते हैं, दाल पालक खा सकते हैं, पालक उबाल कर मिर्ची मसाला डालकर खा सकते हैं। एक आप समझो एक कप पालक, उबला हुआ पालक, उबाला हुआ पालक एक कप लेते हैं तो फोलिक एसिड की अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो 66% उसमें फुलफिल हो जाएगी और फोलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी है नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए। तो पालक खाना सब्जियों में। नंबर दो है सब्जियों में बीट जूस। तो बीट जूस आप लेते हैं, आप उसमें भी फोलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आधा कप जूस आप लेते हैं और ये 6 हफ्ते तक लेते हैं तो देखो आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। बीट जूस में बीटरूट जूस, उसमें विटामिन ए रहता है, आयरन रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, फोलेट रहता ही है जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बढ़ती है। नंबर तीन है कैरेट, गाजर। गाजर एक रोज गाजर आप खाते हैं तो गाजर से स्पर्म क्वांटिटी, स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म मोटिलिटी, मतलब शुक्राणु का चलन वलन मात्रा सभी में फायदा होता है। नंबर चार जो है वह अर्गन ऑयल। अर्गन ऑयल लोग ऊपर से लेते हैं खाने की चीज़ों के ऊपर, अर्गन ऑयल से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अर्गन ऑयल एट टाइम्स कहीं रिसर्च में एफ्रोडाइजिया करके बताया गया है। इसमें मैं रखूँगा पांचवी जो है वो है खजूर। अब खजूर आप खाते हैं डेट्स जिसको बोलते हैं, 4 या 5 डेट्स आप रोज खाते हैं। खजूर जो है वो फाइबर उसमें अच्छा रहता है और सभी तरह के विटामिन रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं और इससे नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बहुत बढ़ती है। तो ये हो गई सब्जियाँ और खाने की चीज़ें फल। तो पहला हो गया नंबर एक नेजल ब्रीदिंग, नंबर दो हो गया सब्जियां जिसमें एल अर्जिनिन और एल सिट्रुलिन ज़्यादा है, ये हो गया नंबर दो। नंबर दो में मैंने 5 चीज़ें खाने की बोली। अब नंबर तीन पे आते हैं। तीन पे है कि फ्लूराइड कंटेनिंग माउथवाश जो रहता है वो कम हो। फ्लूराइड जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल कम करता है तो कम से कम ऐसे माउथवाश लेना, उसका इस्तेमाल करना है जिससे जिसमें फ्लूराइड लेवल कम होगी ताकि आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बने रहे। नंबर चार जो है वो है व्यायाम, एक्सरसाइज। 40 मिनट का एक्सरसाइज
और स्टैंडर्ड यह है कि 40 मिनट में आपने 5 किलोमीटर चलना चाहिए, 5 किलोमीटर। नंबर 5 जो है वो है सूर्य की किरणें, सनलाइट। आप सनलाइट रोज आँख पे लेते हो आप 15 से 20 मिनट तक, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने में बहुत फ़ायदा होता है। नंबर 6 है स्ट्रेस कम करना। जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो नेचुरली एड्रेनलिन स्टीरॉयड की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में दिमाग में होते हैं, जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड काम नहीं कर सकता जब ये लेवल ज़्यादा है। तो जब आप रिलैक्स होते हो तो नेचुरली डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, ये जो लेवल है सेरोटोनिन, ये लेवल बढ़ जाती है, तो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छा काम कर सकता है ये हार्मोन्स के जरिए या ये हार्मोन्स की उपस्थिति में। नंबर 7 जो है वो है संतुलित आहार। इसमें फल सब्जियां बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रोटीन्स और शुगर कम, बहुत ही बैलेंस फूड, और जल्दी खा लेना है। मतलब सूर्यास्त के पहले आप खाते हैं तो उसका डाइजेशन भी हो जाएगा, और आप जब बेड पर जाते हो 10-11 बजे तब आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी करने के लिए मैं हरदम जो मेरे पास में आते हैं उनको बोलता हूँ कि भाई सूर्यास्त के पहले आप खाना खा लो, देखो बहुत फर्क पड़ेगा। एक तो आपका पेट हल्का हो जाएगा, आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी, सुस्ती कम रहेंगे, और सेक्स आप अच्छा कर सकोगे। संतुलित आहार और सूर्यास्त के पहले का। नंबर 8 है वो है सिगरेट और तंबाकू, दारू, ये सब बंद करना पड़ता है। इससे भी नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें, ये 8 उपचार है, फिर से बताता हूँ। नंबर 1 नेजल ब्रीदिंग, नंबर 2 एल अर्जिनिन एल सिट्रुलिन वाली सब्जियाँ, जिसमें मैंने 5 बताया अलग अलग सब्जियाँ और फ्रूट। नंबर 3 फ्लोराइड कंटेनिंग माउथ वाश कम से कम इस्तेमाल करना। नंबर 4 व्यायाम। नंबर 5 सूर्य की किरणें सुबह की। नंबर 6 तनाव कम करना। नंबर 7 बैलेंस फूड बिफोर सूर्यास्त, सनसेट के पहले। नंबर 8 सिगरेट तंबाकू शराब बंद। तो ये करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो सेक्स लाइफ है बहुत बढ़िया बनेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।